Hi, hello friends, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss particle in one dimensional box, means your 1D box, from the quantum mechanics, means from your quantum chemistry. Okay, this is actually very simplest topic and the simplest quantum mechanic problem, which actually define you the translation motion of your particle. Okay, but before that, first we should understand what is the meaning of over here one dimension, two dimensional and three dimensional. Okay, so I am just over here mention the particle present in one dimensional box. So whenever we know that we have the three coordinates in quantum mechanics, your x, y, z, right? So according to that x, y and the z coordinates, we should correlate that it is your one dimensional, it is your two dimensional or three dimensional concept. So over here the one dimensional meaning you are going to be representing the single line or the single number for the box. Okay, so we could say it's a one dimensional box. I hope so, you should clear. Now suppose over here I'm just going to be plotting over here two lines. Here will be the x coordinate and the y coordinate, but according to this one dimensional box we have to only consider the x coordinate over here. Okay, so I'm just going to be plotting, but now somewhere else on this line I'm just going to be consider one of the point where your x is equal to 0. I am going to be consider. Okay, now from this particular x line there will be the one more point I am going to be consider. Here also your x is equal to 0. Okay, ab yahan pe maine kya kiya, on this x coordinate I am just going to be plotting the two lines, vertical lines. Matlab yahan par ab maine kya kiya, ek box ko maine draw kiya kiske upar, the x coordinate line ke upar. So these are the my box. ठीक है, अब ये जो टू वर्टिकल लाइन है दे एक्चुअली मेंशन ओवर हियर एज अ वॉल. ठीक है, दे रिप्रेजेंटिंग द वॉल्स ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट. तो यहां पर अब मुझे क्या कंसीडर करना है स्टूडेंट, हियर अ पार्टिकल. ओके, सपोज हियर विल बी द वन ऑफ द पार्टिकल विच आर हैविंग द मास एम. ओके, विच इज कन्फाइंड टू मूव इन टू द फ्रीली इन टू द एंटायर इन साइड द बॉक्स. अब ये जो मेरा एक पार्टिकल है अलॉन्ग विद देयर मास, ये क्या कर रहा है, फ्री पार्टिकल है जो यहाँ वहां मूव कर रहा है इस बॉक्स के अंदर. एंड दीज आर द वॉल. तो सम ऑफ द बुक्स आर गोइंग टू बी मेंशन द एक्सट्रापोलेट लाइन ओवर हियर बाय डॉटेड. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वॉल जो है मेरी इनफाइनाइट वॉल है. वॉट इट इंडिकेट, टू इनफाइनाइट वॉल आर गोइंग टू बी प्रेजेंट टू द बॉक्स. क्यों यहाँ पर ये इनफाइनाइट वॉल बताया गया है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, वो बॉक्स से बाहर ना जा सके. मतलब इसका मतलब ये कंफर्म है कि पार्टिकल आपका विद इन द बॉक्स ही प्रेजेंट होगा, दे आर नॉट गोइंग टू बी कम आउटसाइड द बॉक्स. दिस इज द मीनिंग, दैट्स वाई दीज वॉल्स आर गोइंग टू बी इन्फेनाइट. अब यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट अज्यूम करते हैं कि ये मेरा एस इक्वल टू जीरो और ये लाइन पे ये मेरा बॉक्स है. तो ये जो मेरा यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट वी आर गोइंग टू बी कंसिडर एज द एल, मतलब इतना लेंथ है मेरे इस बॉक्स का. ठीक है, अब अगर मुझे ये पता है, अगर हम लोग यहाँ पर पार्टिकल के फोर्स और एनर्जी के बारे में अगर बात करते हैं, सो आई नो दैट माई फोर्स इज इक्वल टू वॉट यूर माइनस डीवी बाई डी आर, मतलब वेलोसिटी. तो अगर ये मुझे फोर्स पता है, बट ये फोर्स यहाँ पर कब जनरेट होगा, मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, जब तक उसको दूसरी कोई चीज कोलाइड नहीं होती या फिर जब तक उसको कोई दूसरी चीज हीट नहीं करती, देयर कैन नॉट बी फोर्स, मतलब उसका डिस्प्लेस नहीं, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी. तो यहाँ पर वो अकेला ही प्रेजेंट है, बराबर. सो व्हाट इट इंडिकेट्स, बिकॉज ऑफ दैट द नो अदर एनी पार्टिकल प्रेजेंट इन द इनसाइड द बॉक्स, दे आर नॉट हैविंग द सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसके पास कुछ एनर्जी नहीं. इसके लिए विद इन द बॉक्स आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट शुड बी कंसिडर एज वॉट, वी इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट दैट शुड बी द जीरो. यहां तक आई थिंक सो क्लियर. बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर आउटसाइड द बॉक्स इफ यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे. सो दे क्रिएट द फोर्स, क्रिएट द एनर्जी. तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, सो दैट्स वाई द पोटेंशियल एनर्जी आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट. वॉट, आउटसाइड द वॉल, मतलब आउटसाइड द वॉल योर पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर एज इनफाइनाइट, वेर एज द इनसाइड द बॉक्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ओनली द वन पार्टिकल, वन सिंगल पार्टिकल, योर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वॉट, जीरो. तो यहां तक हम लोग ने अभी तक ड्रॉ किया आपका ओनली द वन डायमेंशनल बॉक्स और उसकी इन्फॉर्मेशन. तो अब तक यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि ये उसका लेंथ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो क्यू है, आउटसाइड द बॉक्स वो इनफाइनाइट क्यू है. ठीक है, अब इसका जो मेन फोकस है द पार्टिकल ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स, इससे हमें दो चीजें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है. एक तो हमें यहाँ पे वेव फंक्शन का टर्म एक्सट्रैक्ट करना है, और सेकेंड चीज
एनर्जी क्या है उसको हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अब पहले क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी सॉल्व द डेरिवेशन पार्ट। सो जस्ट टेक अ लुक व्हाट इज द मेन पार्ट। अब ये जो डेरिवेशन है मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको बताऊंगी इन द टू वे। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है यहाँ पर स्टूडेंट, जो आपको याद रखना है फॉर पार्टिकल इन डायमेंशन बॉक्स, वो है इनसाइड द बॉक्स व्हाट विल हैपन एंड आउटसाइड द बॉक्स, व्हाट आई एम सेइंग आउटसाइड द बॉक्स व्हाट विल हैपन। एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस बोथ द टर्म्स इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉक्स, वी केम टू नो एग्जैक्ट व्हाट विल बी द योर डेरिवेशन फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्टेड विद आवर मेन पार्ट। तो सबसे यहाँ पर पहले क्या करना है, आपने अगर मेरा अर्लियर वीडियो देखा होगा तो आई ऑलरेडी सॉल्व द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन में ये समझ के चले हो कि वो आपको पता है। सो सपोज आई जस्ट सपोज टू ओवर हियर राइट डाउन द इनसाइड द बॉक्स, ओके, स्क्रोडिंगर, ओके, इक्वेशन वेव इक्वेशन विल बी। अब यहां पर मैं पहले सबसे पहले लिखूंगी इनसाइड द बॉक्स आपका स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा दैट माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस यहां पर आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो आप यहाँ पे होगा फंक्शन आइज साय ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर होगा एनर्जी साय ऑफ एक्स। तो ये यहां पर मेरा सबसे पहले इक्वेशन नंबर, इसको मैंने यहां पर कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर वन, बिकॉज ये हम लोगों ने डायग्राम से यहाँ पे एक्सट्रा कर लिया दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है इनसाइड द बॉक्स वो क्या है मेरी जीरो। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर टू। यहां तक आपको क्लियर है? तो ये आपको यहां पर स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में इस इक्वेशन को आपको याद ही रखना है। आपको अगर स्क्रोडिंगर इक्वेशन उस पार्टिकल के लिए पता नहीं है तो आप आगे का डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको स्क्रोडिंगर इक्वेशन पता होना चाहिए टू डिराइव द डेरिवेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट वन मोर थिंग आप याद कर लीजिए, आप अगर इनसाइड द बॉक्स देखते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा यहाँ पर है मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो जीरो है। जीरो क्यों है? बिकॉज यहाँ पर उसका कुछ फोर्स ही नहीं, कुछ वेलोसिटी नहीं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अलोन प्रेजेंट। सो दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी कंसिडर एज अ कम्प्लीटली जीरो। तो अगर ये मेरा टर्म यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास स्क्रोडिंगर इक्वेशन बचेगा क्या, माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डी स्क्वायर। अब ये जो होल टर्म है ब्रैकेट को अगर मैंने ओपन किया तो इसके साथ ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बराबर। तो ये डिवाइडेड बाय होगा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ये तो पूरा जीरो बन गया तो यहां पर बचा ये अपॉन साय अपॉन एक, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, मैथमेटिकली रीअरेंज करना है, ठीक है, योर लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो अगर इस इक्वेशन को माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम को अगर मैंने यहां पर लेके गया तो टू एम आपका कहां चला जाएगा, ऊपर, एंड एच क्रॉस स्क्वेयर ये कहां पर आएगा, नीचे। ये इक्वेशन तो यहां पर ऐसे चलेगा। तो इन टोटल द होल टर्म इफ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व यू विल गेट यहां पर व्हाट डी साय डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, ये यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर है आपका साय और यहाँ पे बचेगा जीरो। तो ये हुआ आपका मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट, आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड, जिसे हम यहाँ पर देंगे इक्वेशन नंबर फोर। सिर्फ इसको आपको स्टूडेंट क्या करना है, रीअरेंज करना है, दैट यू शुड रिमेम्बर ओवर हियर, ठीक है। सो आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन नंबर फोर, ये जो आपका यहाँ पर स्टूडेंट जो टर्म दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज, तो यहाँ पर आपका एक्स है बट यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये मेरा यहाँ पर टोटल टर्म क्या हुआ, इट शुड बी अ कॉन्स्टेंट। तो इसको यहाँ पर हम लोग एज ए लिखेंगे दैट डी स्क्वेयर साय डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साय इज इक्वल टू जीरो, दिस इज विल बी इक्वेशन नंबर फाइव। तो यहाँ पर जो के स्क्वेयर जो मेरा है वो क्या कॉन्स्टेंट इंडिकेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट इंडिकेट कर रहा है टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर को, ठीक है। यहां तक आई होप सो यू शुड कंप्लीटली क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, आपका जो इक्वेशन फाइव है, ठीक है, इट इज एन व्हाट योर जनरल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपने यहां पर सॉल्व किया, अगर इसको मुझे अब क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो अवर प्रॉब्लम इज व्हाट स्टूडेंट, दैट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर मैंने इसका, ठीक है, क्या किया, इट इज एन ऑर्डिनरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन किसका, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मेरा उसका अगर मैंने इक्वेशन यहां पर निकाला तो यहां पे मुझे इक्वेशन स्टूडेंट बताओ क्या मिलेगा, दैट इट शुड बी जाय इज इक्वल टू कॉस के एक्स इज इक्वल टू प्लस बी साइन के एक्स। अब ये कहां से आया, जो मेरा इक्वेशन जो फाइव है, जो मेरा मैथमेटिकल इंडिपेंडेंट जो मेरा इक्वेशन यहां पर जो है स्टूडेंट, उसको अब मैंने क्या किया, ऑर्डिनरी जो मेरा सेकेंड ऑर्डर जो मेरा डिफरेंशियल जो इक्वेशन है,
ठीक है, उसका मैंने सॉल्यूशन लिखा। तो ये सम ऑफ द कुछ मैथमेटिकल पार्ट है स्टूडेंट, आई होप सो वो आपको पता है, ये समझ के ये मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिला यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6, दिस इज द एक्चुअली व्हाट यू आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां तक आपको क्या करना है, सिमिलर चाहिए तो ये मैंने किसके लिए सॉल्व किया, दैट शुड बी योर इनसाइड द बॉक्स अलोंग विथ योर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब इसको ही सिमिलरली आपको क्या करना है, यहां पर मैं बाजू में अलग पेन से लिखती हूँ ताकि आपको वहां पर कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते स्टूडेंट व्हाट विल हैपन द आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब आउटसाइड द बॉक्स आपका जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो होगा दैट शुड बी सिमिलर, बट अब यहां पर क्या होगा, इफ यू आर गोइंग टू लुकिंग एट द डायग्राम आउटसाइड द बॉक्स, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, कंप्लीटली इनफाइनाइट है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पर, जहां पर हम लोगों ने इनसाइड द बॉक्स उसको जीरो कंसिडर किया था, इन द सेम प्लेस नाउ आई एम गोइंग टू बी पुटिंग ओनली द इनफाइनाइट वर्ड। सो जस्ट टेक अ लुक, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m, यहां पर आएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब वी एस यहाँ पर क्या है मेरा इनफाइनाइट। ठीक है, साई ऑफ ऑन एक्स ई साई ऑफ एक्स, तो ये मेरा अब नेक्स्ट बना इक्वेशन नंबर 6 के बाद, ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 7। तो ये कंडीशन मैंने किसके लिए अप्लाई की, फॉर द आउटसाइड द बॉक्स। अब इस आउटसाइड द बॉक्स इक्वेशन को इन द सेम वे जैसे मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया था, रीअरेंज किया था, इफ आई एम गोइंग टू बी रीअरेंज, मतलब इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये ब्रैकेट के बाहर जब आएगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, जस्ट टेक अ लुक, माइनस एस क्रॉस अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, साई अंदर चला आएगा, प्लस इन्फाइनेटिव साई अपॉन एक्स, ये यहाँ पर रहेगा ई साई ऑफ एक्स। अब ये यहाँ पर चला जाए तो क्या होगा, माइनस होगा, तो मेरा यहाँ पर बचेगा क्या, एस क्रॉस 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा यहाँ पर दोनों टर्म यहाँ पर चले, तो ये यहाँ पर मैं पेंसिल से लिखती हूँ, तो ये अगर यहाँ पर होगा तो ये क्या बनेगा मेरा, माइनस इन्फाइनेट साई एक्स, दोनों में साई एक्स को मैंने कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, ई माइनस अल्फा, तो e माइनस अल्फा साई ऑफ एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन यहां पर मुझे मिला। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को मैंने इन द सेम वे जैसे मैंने इनसाइड द बॉक्स को इसको रीअरेंज किया था, सेम वे मेरा एस क्रॉस मैंने यहां पर लेकर गई, तो मुझे फाइनल जो इक्वेशन आफ्टर द रीअरेंज, व्हाट इक्वेशन आई विल गेट, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m, अब यहां पर से मुझे क्या मिलेगा, इन माइनस इनफाइनाइट एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये जो इक्वेशन मिला, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 8 आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस टोटल इक्वेशन, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है एज लाइक दिस। तो यहां पर ये मेरा था के बराबर, तो अब यहां पर जो मैंने सॉल्यूशन जो निकाला था फॉर द इनसाइड द बॉक्स, आई विल गेट द हियर व्हाट सॉल्यूशन विल बी, एस कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। बट यहां पर अब क्या होगा, फॉर दिस सपोज दिस इक्वेशन, ओके आई एम गोइंग टू बी सैटिस्फाइड फॉर द साई इज इक्वल टू व्हाट, योर जीरो, ओके, बट एवरीवेयर आउटसाइड द बॉक्स, बट दिस इज एक्चुअली अनदर वे टू सेइंग दैट योर पार्टिकल कैन नॉट फाउंड, व्हाट योर पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड आउटसाइड द बॉक्स, बिकॉज आपका जो पार्टिकल है वो इनसाइड द बॉक्स है, बट आउटसाइड द बॉक्स है क्या, वो नहीं, ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, सो इट इज कन्फाइंड व्हाट, विद इन द बॉक्स, बराबर। सो दैट्स व्हाई इट इम्प्लाइज दैट योर साई जो है यहाँ पर मेरा, ये जो है हमारा साई जो है, दैट मस्ट बी व्हाट, योर जीरो, यहां तक क्लियर है। सो देयर फोर जो मेरा वॉल जो है यहाँ पर ऑफ द बॉक्स, दैट शुड बी व्हाट, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ए, ये हमें यहाँ पे समझ के चलना है। तो पॉस्टुलेट यहाँ पे क्या होता है हमारा मैकेनिक्स का, दैट रिक्वायर्स दैट योर साई जो है दैट मस्ट बी कंटिन्यूस फंक्शन एंड दैट कंसिडर एज योर इक्वेशन नंबर 6, ओके, जहां पर आपको जो ए जो वैल्यू जो मिला है दैट मस्ट बी कंसिडर एज योर जीरो। तो यहां पर मैं लिखती हूं चाहिए तो, दैट यूर इफ ए इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 6। अब यहां पर जो इक्वेशन जो मुझे इनसाइड द बॉक्स के लिए मिला था, यहां पर अगर मैंने ए को यहां पर कंसीडर किया जीरो, तो मुझे सिर्फ यहां पे इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट योर साई इज इक्वल टू बी साइन के एक्स। ठीक है, तो ये मुझे इक्वेशन मिला। अब इसको मैंने लिखा इक्वेशन 9। आई होप सो मैं जो क्या बोले स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रॉपरली पेशेंटली सुनिए, ये जो था मेरा पार्टिकल विद इन द बॉक्स था, अब हम लोग कंसिडर कर रहे आउटसाइड द बॉक्स। अब आउटसाइड द बॉक्स हम लोग कंसिडर कर रहे कि वो है ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा साई फंक्शन जीरो होगा। साई फंक्शन अगर मेरा जीरो है तो इंडिपेंडेंटली जो मुझे इक्वेशन मेरा एक्सट्रैक्ट होगा वहां पर मुझे मस्ट भी ये सेटिस्फाइड करना दैट मेरा ए जो है मेरा जीरो है, तो मुझे साई फंक्शन आउटसाइड द बॉक्स के लिए सिर्फ मिलेगा यहाँ पर बी साइन के एक्स। सो दिस इज द विद इन द पार्टिकल, यार पार्टिकल इज नॉट देयर।
अब देखते हैं हम लोग आगे जाके, अब यहां पर जो मुझे ये इक्वेशन मिला, ठीक है, ये इक्वेशन मुझे कौन से कंडीशन पर मिला, आप स्टूडेंट देख लीजिए, इफ योर साई इज इक्वल टू जीरो, कब, जब आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो है एंड एस इज इक्वल टू ए, दैट वी हैव, ये कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। अब इस इक्वेशन को मैंने इसमें अगर डाल दिया तो व्हाट इक्वेशन आई विल गेट, सो टेक अ लुक दैट बी साइन के, अब एक्स को मैंने यहां पर क्या कंसिडर किया एज अ ए, जीरो का तो जीरो ही होगा, देन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज साई मेरा क्या था यहां पर जीरो, सिर्फ ये कंडीशन को मैंने इक्वेशन नाइन में क्या किया, अप्लाई किया। सो आफ्टर अप्लाइंग यहां पर क्या होगा, साइन के ए इज इक्वल टू जीरो, सो दैट्स व्हाई योर के ए इज इक्वल टू एन पाई, देयरफॉर योर के इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए, तो ये इक्वेशन यहां पर मुझे मिला। सिंपल सॉल्व करना है, ज्यादा सोचो मत। अब ये जो मेरा के यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट मिला इंडिपेंडेंट, उसकी वैल्यू कितनी थी इनसाइड द बॉक्स, सो द वैल्यू शुड बी द 2me h क्रॉस स्क्वायर था मेरा, ये वैल्यू थी मेरी बराबर। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, दैट यूर n पाई स्क्वायर, क्या मिला है n पाई अपॉन a, बट ये मेरा क्या है k, बट ये मेरा क्या है यहाँ पर k स्क्वायर, तो इसका भी यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा, तो जस्ट टेक अ लुक देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज ये मेरा टोटल क्या था के स्क्वायर था, सॉरी स्टूडेंट ये के स्क्वायर था, तो ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर। तो इतना सिंपली है यहाँ पर आपको सॉल्व करना है कि टोटल जो इक्वेशन है वो कैसे आपको सॉल्व करना है, दैट शुड यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, ये मुझे पता है कि यहाँ पर जो मेरा एन है इनकी वैल्यू है यहाँ पर वन टू थ्री एंड अप टू द इन्फाइनेट, जो मेरा h क्रॉस है उसकी वैल्यू यहाँ पर h अपॉन टू पाई, बराबर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक मतलब मेरा जो डिस्टेंस है जो मेरी लेंथ है वो मेरी कितनी यहाँ पर सिंपल, तो अगर मैंने e को यहाँ पर रीअरेंज किया तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी सॉल्व ओवर हियर ओनली, तो यहाँ पर आफ्टर रीअरेंजिंग व्हाट विल बी द योर e, तो ये यहाँ पर बचा तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ऊपर गया नीचे आया टू एम ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्या मेरा एच अपॉन टू पाई स्क्वायर नीचे बचा टू एम ए स्क्वायर, फिर यहां पर क्या आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर होगा अपॉन टू एम ए स्क्वायर, यहां पर टू पाई का स्क्वायर मतलब क्या आएगा फोर पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए सिमिलर टर्म पाई स्क्वायर गेट कैंसल, तो बचा क्या मेरे पास स्टूडेंट यहां पर सिंपली दैट यू गेट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर टू जो एट एम ए स्क्वेयर, सो दीज आर द वैल्यू फॉर द एनर्जी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था द पार्टिकल इन द वन डायमेंशनल बॉक्स में सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज योर वेव फंक्शन एंड वी हैव टू सॉल्व द एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी फंक्शन जो मुझे मिलता है मतलब जो ये मेरा पार्टिकल जो है ठीक है प्रेजेंट इन टू द इन साइड द बॉक्स दैट आर हैविंग द एनर्जी दैट यूर एन इज इक्वल टू वॉट एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट एम ए स्क्वायर। और वन मोर थिंग यहाँ पर स्टूडेंट सबसे जरूरी चीज जो है यहाँ पर याद रखनी है, आपकी ये जो एन की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द वन टू थ्री दैट एन इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है ठीक है। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट योर कोरिलेशन बिटवीन द इन साइड द बॉक्स एंड द आउटसाइड द बॉक्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रैक्ट द डेरिवेशन। डेरिवेशन आपको अगर एग्जाम में आता है तो दैट कमिंग ओनली फॉर द फाइव और फोर मार्क्स, तो यहाँ पर वो जरूरी है। अब जो सबसे ज्यादा जो जरूरी जो चीज है यहाँ पर स्टूडेंट जो आपको नेट एग्जाम में गेट एग्जाम में भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टूडेंट ये पूछा जाता है दैट नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अब सबसे जो मेन यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अब यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए वेव फंक्शन मतलब नॉर्मलाइजेशन आप किसका देख रहे हो साई का, किसमें देख रहे हो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ साई मतलब किसका दिख रहे हो इसका। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे वेव फंक्शन के स्लोप देखेंगे मतलब वेव फंक्शन जो है मेरा उसका प्लॉट हमें स्टडी करना है किसके लिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर जो बातें दी थी वो आपको यहाँ पर सब क्लियर है, डायग्राम आपको क्लियर है, डेरिवेशन आपने यहाँ पर निकाला, ई टर्म्स आपको पता चला, वेव फंक्शन। बट नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन जब आप करते हो ना तो ये वेव फंक्शन से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है हमें उस पार्टिकल के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल आपका कहाँ प्रेजेंट है, पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, पार्टिकल की एवरेज वैल्यू क्या है, वो चीजें अगर आपको पता करनी है किसके बारे में जो पार्टिकल आपका विद इन द बॉक्स प्रेजेंट है उसकी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन करते। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट मैं डायरेक्टली बता
बता रही हूँ, दो चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपरली याद रखनी। एक तो मेरा जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा होती है व्हाट इन द स्क्वायर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो ये चीज आपको यहाँ पर किसी भी हालत में याद रखनी है। जैसे कि मैंने बोला था जब आप सॉल्व करते हो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो इनसाइड द बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन को याद ही रखना है, ठीक है, तो ही आप आगे सॉल्व कर पाओगे। इन द सेम वे नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन के लिए वेव फंक्शन वैल्यू आपको यहाँ पे याद ही रखनी है। अब हम लोग को जो सेकेंड चीज यहाँ पर याद रखनी है वो है आपको जो एनर्जी जो दी गई है, ठीक है, वो आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या है, दैट एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मैंने ये ऑलरेडी डेरिवेशन में सॉल्व किया है वो वैल्यू कहाँ से ये आपको पता चला, तो यहाँ पे ए का मतलब ये क्या है, डिस्टेंस, उसको आप एट एम एल स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो दोनों का मतलब यहाँ पर सिमिलर ही है, डजंट डिफरेंट, ठीक है। तो ये हुआ मेरा एनर्जी। तो ये दो चीजें आपको याद करके आपको अब क्या करना है, वेव फंक्शंस के प्लॉट बनाने में बहुत इजीली आपको पहले बताती हूँ और फिर मैं आपको एज योर फेवरेट मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है वन डायमेंशनल, ठीक है, जिसकी यहाँ पर क्या है जीरो, जिसका अंदर पोटेंशियल कितना है जीरो, यहाँ पर भी आप मेरा क्या है एस इज इक्वल टू जीरो, ये रही मेरा कम्प्लीटली लेंथ है। अब यहां से जो मेरा है एक्स इज इक्वल टू जो मेरा एल है, मतलब इतना इसका जो लाइन है वो कम्प्लीटली क्या है एक्स इज इक्वल टू एल है, बराबर मेरे पास अब वेव फंक्शन है। तो मेरी जो ये बाउंड्री जो है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन का मतलब भी पहले मैं क्लियर करती हूँ, दैट वी आर गोइंग टू बी फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ योर पार्टिकल विद इन द बॉक्स वेयर इट शुड बी प्रेजेंट। मतलब ये जो मेरा पार्टिकल है विद इन द बॉक्स ये कहाँ पर प्रेजेंट, मतलब ये इस वॉल पर प्रेजेंट है, इस वॉल पर वो प्रेजेंट है या नहीं, फिर एग्जैक्टली उसकी पोजिशन कहाँ पर है, मतलब पार्टिकल जो है मेरा इन साइड द बॉक्स वेयर इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, तो वो हम लोग कहाँ से पता करते हैं, बाय द नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन से। सो जस्ट टेक अ लुक, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिया, साई जो मेरा इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, दैट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट बाउंड्री के लिए, तो ये मैं कहाँ पर आप चेक कर रही हूँ, एट द बाउंड्री मेरा पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो बाउंड्री सबसे पहले कितनी मेरी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ साई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा मेरा 2 अपॉन एल साइन एन पाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने जीरो डाल दी, तो ये एन पाई मल्टीप्लाई किया तो जीरो होगा, साइन जीरो जीरो, तो टोटल इक्वेशन क्या होगा मेरा जीरो, तो दैट्स वाई साइन जो है मेरा एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है मेरा पूरा वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगा जीरो। अब जीरो का यहाँ पर मतलब क्या है कि मेरे जो मेरी बाउंड्री जो है मेरी फर्स्ट बाउंड्री यहाँ पर आपका पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाउंड्री एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब ये मेरे बाउंड्री पर वो पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं, तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं वैल्यू डालते हैं, दैट साई इज इक्वल टू 2 अपॉन एल साइन एन पाई एल अपॉन एल, देन यार व्हाट विल हैपन द एल एल गेट कैंसल, तो यहाँ पर क्या है आपका साइन एन पाई, अगेन साइन एन पाई इज इक्वल टू व्हाट यूर जीरो, तो टोटल कंडीशन में पूरा होगा जीरो, तो अगेन आपको यहाँ पर क्या मिला साई इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट अगेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू एल, यहाँ दोनों पर भी मेरा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली ये मेरे इनफाइनाइट वॉल्स है, बराबर ये मेरे क्या है इनफाइनाइट वॉल्स है, और अगर आपका पार्टिकल मैंने जैसे बोला था वो फ्री पार्टिकल है, ठीक है, उसको कुछ फोर्स नहीं, इसकी वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है उसकी, मतलब वो डेफिनेटली वो वहां पर प्रेजेंट नहीं, तो ये पार्टिकल विद इन द बॉक्स मतलब समवेयर एल्स इन बिटवीन द बॉक्स प्रेजेंट है, मतलब उसका लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या उसके चांसेस फाइंड आउट करने कि मैक्सिमम उसकी वैल्यू मतलब कौन सी है कि वो एग्जैक्टली वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो हमें यहाँ पे किस चीज से पता चलेगा बाय दी वेव फंक्शन स्लोप्स, मतलब उस प्लॉट से, और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू योर नेट एग्जाम जैम एग्जाम और गेट एग्जाम के हिसाब से ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है प्लॉट, तो प्लॉट देखते ही आपको वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये प्लॉट राइट है या रॉन्ग है। मैं आपको बताऊंगी पहले सॉल्व करके, देन आई एम जस्ट सपोज टू प्रोवाइड यू ट्रिक, तो प्रॉपरली देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा बॉक्स है, दिस शुड बी माई एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू एल। अब मुझे उसका क्या करना है, अब मैं सबसे पहले तो ये साई अपॉन एक्स फर्स्ट के लिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या ये मेरा है वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू रूट टू अपॉन एल, यहाँ पर मेरा साई एन पाई एक्स एल है, ठीक है जी सर। अब सबसे पहले जो मेरा ग्राउंड स्टेट होता है, जैसे कि मैंने बोला था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में एन इज इक्वल टू
नॉट जीरो, एन की वैल्यू हमेशा शुरू कहां से होती है, 1 2 3। तो जनरली एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि एन की वैल्यू अगर ग्राउंड स्टेट पूछा तो वो जीरो कंसिडर करते हैं, बट इट शुड नॉट बी, द ग्राउंड स्टेट शुड बी 1। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 2, सेकेंड 3। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, उनका लेवल बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, सिंपली ट्रांसलेशन मोशन देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरा फर्स्ट जो लेवल यहां पर होगा, ये मेरा क्या होगा, n इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या होगा, 2 3 4 5, लाइक वाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट के लिए, मेरे वेव फंक्शन के लिए क्या वो कंडीशन है। तो यहाँ पे मेरा n इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। सो दीज आर द एक्चुअली योर ट्रांसलेशन, मतलब वाइब्रेशनल लेवल्स इन योर पार्टिकल। तो फॉर द n इज इक्वल टू लेवल, मतलब मेरा ये हुआ ग्राउंड स्टेट, साय 1 मैंने लिखा ऑफ x। तो यहाँ पर इक्वेशन अगर मैंने सोल्व किया तो स्क्वेयर रूट में 2/l साइन, अब यहाँ पे आया n पाई, अब x की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पर मुझे कितनी डालनी है, 1। तो यहाँ पर बचा क्या, पाई x अपॉन एल, ये यहाँ पर मुझे मिला। अब यहाँ पर मुझे क्या देखना है, क्योंकि आपका जो ये टोटल जो है पार्टिकल की पोजीशन, ये टोटली किसकी, किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है स्टूडेंट, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। बिकॉज ऐसे जैसे आपका साइन की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी, मतलब आप जो ये पोजीशन जो वेव फंक्शन की लोकेट करें उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन की अगर आपको वैल्यू पता होगी तो साइन आपका कितना होता है, सो यू हैव वैल्यू फॉर द साइन 0 होता है आपका, 1/2 है, देन 1/√2 है, √3/2 एंड देन 1। मतलब साइन के आप अगर वैल्यू की बात करते हो तो साइन की सबसे मोस्ट वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है यहाँ पर, 1। तो अगर मुझे साइन 1 चाहिए, मतलब यहाँ पर मुझे साइन कितना चाहिए, पाई बाय 2 चाहिए, तो मैं अब यहाँ पर उसको इक्वेट करती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा साइन, ठीक है, ये है मेरा पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 1, मतलब मुझे ये वैल्यू अब क्या करनी है, इज इक्वल टू, अगर मुझे 1 लाना है, मतलब यहाँ पर मुझे साइन कितना चाहिए, पाई बाय 2। अब देख लीजिए, अगर मैंने इनको इक्वेट किया, साइन पाई गेट कैंसल, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ x अपॉन एल 1/2। सो देयरफॉर योर x इज इक्वल टू व्हाट, एल बाय 2। तो x का यहाँ पर मतलब क्या है, यू शुड आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ योर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू एल बाय 2, मीन्स यू शुड लोकेट द पार्टिकल पोजिशन। तो मुझे पार्टिकल का पोजिशन क्या मिला, l इज इक्वल, अब ये राइट है कि नहीं रॉन्ग, ये हम लोग ऊपर के इक्वेशन में इसको डाल के चेक करते। तो ये क्या था मेरा, √2/l साइन पाई, x की वैल्यू कितनी थी, l बाय 2, मतलब ये नीचे आएगा, तो ये हुआ मेरा 2l, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन डालने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, l l गेट कैंसल, तो साइन पाई बाय 2 कितना हुआ मेरा, 1। तो मुझे ये मिला 1 यहाँ पर, तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज सिंपल। तो अब l बाय 2 का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है वो मैं पहले बताती हूँ। तो अब देख लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा जो टोटल जो मेरा ये लेंथ जो है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा टोटल जो लेंथ है ये मेरी क्या है, एल। अब उसका हाफ लेना है, मतलब इसका हाफ, मतलब समवेयर यहाँ पर कुछ तो पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जब आप लिखते हो यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है कि वो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कौन से पॉइंट से, पॉइंट 0 से वो क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ से गया ऊपर, तो ये तो पहला था 0, तो ये यहाँ से, तो ये यहाँ से जाके अब ये 0 तक जा रहा है, तो इसका हाफ मतलब यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लोग मतलब क्या करेंगे, ये यहाँ से जाके ये यहाँ पर आएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी प्लॉटिंग द ग्राफ, सो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ। अब यहाँ पे मैं वन मोर चीज आपको बताना चाहूंगी, एल बाय 2 मतलब हाफ तो आपने निकाला, यू विल गेट द, मतलब समवेयर एल्स यहाँ पर आपका कहीं पर तो पार्टिकल ये यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ इट, ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू टोटल इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं आपको सेकेंड बताती हूँ, अगर मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू मेरा क्या हुआ, 2, सिंपल, जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो इक्वेशन में मैंने डाला, अब मेरा साइ 2x हुआ, √2/l साइन, तो यहाँ पे हुआ 2πx/l, सिंपल वैल्यू डाल दी। अब फिर से मुझे ये साइन क्या चाहिए, वैल्यू, तो यहाँ पर लिख दो साइन 2πx/l, फिर से मुझे वैल्यू क्या चाहिए, 1, किस कब आएगी वैल्यू 1, जब मेरा साइन पाई बाय 2 होगा, साइन पाई गेट कैंसल, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट, टेल में 2x बचेगा अपॉन l, यहाँ पर आएगा मेरा 1/2, सो देयरफॉर अगर मैंने x के लिए सॉल्व किया तो ये मेरा कितना आया, l बाय 4, मतलब ये मेरी है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब l बाय 4 का मतलब यहाँ पर प्लॉट में क्या होगा स्टूडेंट, दैट यू हैव द पार्टिकल विद इन द बॉक्स, ठीक है। तो ये मेरा x इज इक्वल टू 0, ये मेरा x इज इक्वल टू l है। अब यहाँ पे l बाय 4 का मतलब स्टूडेंट इतना ही याद रखो
कि यहाँ पर आपके क्या है द फोर पार्ट्स, ये जो मेरी लेंथ है उसके कितने पार्ट्स है, यहाँ पर फोर पार्ट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो अगर मुझे एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर जीरो चाहिए बराबर, तो ये मेरा पॉइंट कितना है यहाँ पर स्टूडेंट, एल बाय फोर है, तो ये जीरो से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे एल बाय फोर मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने लिया एल बाय फोर, अगर वन लिया फिर यहाँ पर लो टू एल बाय फोर, फिर यहाँ पर लो थ्री एल बाय फोर, फिर यहाँ पर आएगा फोर। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना है स्टूडेंट बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा नेक्स्ट फोर एल बाय फोर। तो अब देख लीजिए, ये मेरा फोर एल बाय फोर, फोर फोर गेट कैंसल, तो मुझे x इज इक्वल टू एल मिला। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो से लेकर के x इज इक्वल टू एल आने तक यहाँ पर मुझे कितने फ्रैगमेंट्स मिले, टोटल वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब ये थ्री डिजिट्स यहाँ पर मुझे मिले, थ्री वैल्यूज। अब मुझे ये पता है कि ये मैक्सिमम, मतलब यहाँ से ग्राफ कहाँ पर, बिकॉज ये मेरी क्या है एल बाय फोर इज विल बी द मैक्सिमम वैल्यू जो कहाँ पर मुझे मिली, x इज इक्वल टू जीरो पर मिली। बट वॉट अबाउट नाउ एल बाय फोर, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये यहां तक जाएगा, ठीक है, बट उसके बाद टू एल बाय फोर, थ्री एल बाय फोर पे पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है ये तो मुझे पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब x की जो ये वैल्यू है टू एल बाय फोर वो हम लोग किस में डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। सो जस्ट टेक अ लुक, तो वॉट वैल्यू आई विल गेट, सो फॉर x इज इक्वल टू टू एल बाय फोर ये मेरी वैल्यू है, तो साइन टू एक्स रूट टू अपॉन एल साइन, अब यहां पर क्या था वो टू पाई टू एल बाय फोर एल, ये मैंने वैल्यू डाल दी, टू टू जा फोर, अब क्या हुआ फोर एल, ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो मुझे यहां पर सिर्फ मिला क्या रूट टू अपॉन एल साइन, सिर्फ वैल्यू यहां पर मुझे क्या मिला साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू यहां पर क्या होती है जीरो, मतलब ये पूरा आंसर यहां पर मेरा क्या हो गया जीरो। उसका मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, दैट पाई बाय टू, मतलब टू एल जो फोर है यहाँ पर मेरा ये वैल्यू क्या पर आएगा जीरो पर, मतलब ये जो प्लॉट है यहाँ पर आके यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एल बाय फोर, ऊपर गया फिर ये नीचे आया, क्यों, बिकॉज टू एल फोर पे वो कितना है जीरो, तो जीरो पे आया। अब थ्री बाय एल फोर पे हम लोग देखते हैं वैल्यू कितनी है, सो साइन टू एक्स, ठीक है, रूट टू अपॉन एल साइन टू पाई, एक सब कितना लेना है मुझे थ्री एल बाय फोर बराबर, और पहले से मेरा नीचे यहां पर कितना है एल है, अब देख लीजिए थ्री टू जा कितना हुआ साइन सिक्स पाई एल, और नीचे है फोर एल, दोनों को डिवाइड किया तो मुझे फाइनल आंसर यहां पर स्टूडेंट कितना मिलेगा, दैट साइन थ्री पाई बाय टू, और साइन थ्री पाई बाय टू का आंसर यहां पर मुझे कितना मिलेगा माइनस वन, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिली इसकी फाइनली माइनस रूट टू एल, ठीक है। अब ये मेरा माइनस रूट टू एल इस यहाँ पर मिला बराबर, मतलब इसका मतलब क्या, मेरा वेव जो फंक्शन है, जो मेरा ये ग्राउंड सेट का जो मेरा फंक्शन है वो यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये मेरा जो वैल्यू है रूट टू एल, ये जितना यहाँ पे ऊपर जा रहा है उतना ही डिस्टेंस में वो यहाँ पर क्या करेगा नीचे आएगा, बिकॉज वी विल गेट द नेगेटिव साइन, तो ये यहां से जा करके यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर रुकेगा क्योंकि ये नेगेटिव, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना आपकी, ठीक है, जब वो वन होगा सो दिस शुड बी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर वो क्या हो रहा है एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब एल बाय फोर मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर कनेक्ट होगा। सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस, ठीक है, तो इतना सिंपल है। अब डेफिनेटली इतना सब सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आपके पास टाइम लगेगा, एग्जाम में आएगा थ्योरी पेपर में तो आप लिख सकते हैं फॉर द सिक्स मार्क्स, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है आपके पास, तो मैं आपको अब यहाँ पे सबसे इजी नाउ योर ट्रिक पार्ट, तो आपको ट्रिक चाहिए ना एग्जाम में सॉल्व करने के लिए कि मैम शॉर्ट टाइम में इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, तो ट्रिक के लिए यहाँ पे एक टिप दे रहे हैं आपको, एक्स आपका यहाँ पे है जीरो, साई फंक्शन यहाँ पर है आपका जीरो, और एक्स इज इक्वल टू एल अगर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, ओनली द नोड्स, अब यहाँ पे एक वन मोर वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, नोड्स होता है हमेशा आपका एन माइनस वन। अब इन द पार्टिकल्स नोड्स आपने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स में देखा होगा, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स में आपको नोड्स में बताऊंगी क्या होता है, कि जैसे कि मान लीजिए अब ये मैंने जो प्लॉट निकाला था, नोड्स का मतलब ये होता है कि जहां पर आपके पार्टिकल के प्रेजेंस के कोई चांसेस नहीं है, मतलब जहां पर आपका पार्टिकल प्रेजेंट हो ही नहीं सकता
ओनली द जीरो चांसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल. तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर जीरो आया, मतलब यहाँ पर मेरा पार्टिकल नहीं है. और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो डिक्रीज वैल्यू, मतलब यहाँ पर समवेयर एल्स माय पार्टिकल विल बी प्रेजेंट. बट आप अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपका पार्टिकल नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट नोड. तो इन दिस केस आप अगर देखोगे सो यू विल गेट वॉट वन नोड. आप अगर इस केस में देखते हो तो यहाँ पर आपका नोड क्या आता है स्टूडेंट जीरो, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ नोड मिला नहीं है. बराबर, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो n इज इक्वल टू वन, तो फॉर्मूला में डाला वन माइनस वन जीरो. तो इसे बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट नोड की मतलब पार्टीशन, मतलब कितने मेरे पार्ट हो रहे. तो वो हमें कौन सी वैल्यू से मिलता है यहाँ पर n माइनस वन से. तो जस्ट टेक अ लुक नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू बी प्लॉटिंग द ग्राफ. तो उस ग्राफ से आपको यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर होगा पूरा पिक्चर कि एग्जाम में सारे जो मेरे वेव फंक्शन है वो आप विद इन द टाइम फ्रेम उसको कैसे सॉल्व करोगे बाय दिस ट्रिक. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट दैट n इज इक्वल टू वन ग्राउंड स्टेट में. ठीक है, जहां पर मेरा है x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, और मेरा साई यहाँ पर क्या था फर्स्ट, मतलब मेरा ग्राउंड स्टेट के लिए तो मैंने वो देखा था. तो यू विल गेट ओनली द वन नोड. तो वन नोड का मतलब यहाँ पर क्या था, यू विल गेट समवेयर एल्स. ठीक है, एल बाई टू ना, तो मतलब दो पार्ट होना चाहिए. आंसर क्या मिला था आपको, एल बाई टू एक्स का मतलब टू. तो नोड कितना होगा जीरो, एक्स इज इक्वल टू एल ना, तो एन इज इक्वल टू वन, तो एन वन माइनस वन, सो व्हाट यू विल गेट जीरो. तो जीरो नोड. तो अब देख लीजिए ये नोड हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइड टू के लिए, मतलब अब मान लीजिए यहाँ पर मेरा एन इज इक्वल टू टू है, तो ये हो मेरा साइड टू एक्स. अब साइड टू एक्स के लिए आप अगर देखते हो तो ये मेरा क्या हुआ टू माइनस वन, मतलब वन. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा यहाँ पर लाइन जो होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर मुझे उसका कितना पार्टीशन चाहिए, द वन पार्टीशन आई जस्ट रिक्वायर्ड ओवर हियर. ठीक है, तो जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, फर्स्ट आई ड्रॉ द लाइन्स ओवर हियर सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या मिला, सो आई जस्ट रिक्वायर्ड ओवर हियर द वन नोड. ठीक है, तो ये हुआ मेरा टू पार्टीशन. अब मेरा टू पार्टीशन हुआ यहाँ पर, तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, ये मेरा एल बाय टू. अब यहाँ पर मुझे एल बाय फोर आंसर आता है मेरा. बराबर, तो ये जो मेरे टू पार्टीशन हुए, तो यहाँ पर जो मेरे नोड्स आते हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे आपके. ये गया यहाँ से ऊपर, फिर ये यहाँ से आया नीचे. ठीक है, और ये ग्राफ आपका कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है इसका कैलकुलेशन मैंने आपको ब्रीफली मैथमेटिकली सॉल्व करके दिया है. अब मान लीजिए साई थ्री ऑफ एक्स है और साई फोर ऑफ एक्स तक मैं बताती हूँ. बाकी साई टेन भी अगर होता है तो आपको यही ट्रिक यूज करनी है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा. एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर. ठीक है, पार्ट करते हैं. एन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन टू, मतलब यहाँ पर कुछ तो टू नोड. फोर माइनस वन थ्री, वन टू थ्री समवेयर. ठीक है, मतलब इतने फोर पार्टीशन. तो n मतलब फोर पार्टीशन, वन टू थ्री फोर पार्टीशन, वन टू थ्री पार्टीशन, थ्री माइनस टू मतलब हुआ वो नोड. तो ये थ्री नोड टू नोड्स. ठीक है, अब ग्राफ इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब समवेयर एल्स इंक्रीज ही होगा. अब ये वैल्यू थ्री के लिए कैसे जा रही है, तो आप देख सकते हो. सो ये अप यहां पर होगी, फिर ये यहां पर डाउन होगी, फिर ये यहां पर अप होगी. सिमिलरली ये यहां पर जाएगी, ये यहां पर आएगी, ये यहां पर जाएगी, फिर यहां पर आएगी. अब ये जो वैल्यू जो होती है स्टूडेंट अप एंड डाउन, ये यहाँ पे नीचे क्यों ऊपर क्यों, इसका जो कैलकुलेशन है वो आप किस तरह से इस फॉर्मूला में डाल के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो. यू विल गेट द पोजिशन, देन टू डिवाइड इट टू इट एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर कि ये जो मेरे स्लोप का ये मेरा पॉइंट कितना होना चाहिए, ये मेरा जो पॉइंट है इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर आपको दिया है. इसी तरह से आप साई थ्री के लिए, साई फोर के लिए, साई टेन के लिए भी निकाल सकते हो. अगर टाइम नहीं है एग्जाम में तो आप इस तरीके से प्लॉट निकाल सकते हो. ठीक है, इतना ईजी है. और वन मोर मैं ट्रिक बताऊंगी स्टूडेंट आपको, अगर ये साई जो है आपका, ठीक है, वो अगर उसके स्क्वायर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब इन द केस ऑफ डबल डेरिवेशन एज अ स्क्वायर अगर वो आता है एग्जाम में, तो उसका प्लॉट आप एग्जाम में इन शॉर्ट कैसे बनाओगे. सो जस्ट टेक अ लुक, वो भी प्लॉट में यहाँ पर आपको बताऊंगी, बिकॉज इन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन में ये दोनों प्लॉट जो होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेम चीजें रहेंगी यहाँ पर, उसमें चीजों में कुछ चेंजेस नहीं होगा. एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर, ये चीजें तो यहाँ पर सेम ही होगी. बट अब चेंजेस जो है हमारे
वो चेंजेस किस में होंगे, ओनली द साई फंक्शन में. तो यहाँ पे साई जो मेरा फर्स्ट था पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब वो यहाँ पे क्या होगा स्क्वेयर, सॉरी ये टू था, तो ये यहाँ पर क्या होगा साई वन एक्स स्क्वेयर टू था, साई थ्री एक्स स्क्वेयर, फिर साई फोर एक्स स्क्वेयर. अब यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे उसका स्क्वेयर. तो इसका मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी, साई स्क्वेयर होता है. तो आपने इस केस में देखा था साई टू में, अब साई टू में फर्स्ट जो केस है मेरा उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, यू गेट द जीरो नोट, मतलब इन द फर्स्ट केस यू विल गेट द सिमिलर ग्राफ, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. बट चेंजेस अब कहां से होंगे हमारे शुरुआत में सेकेंड केस में. तो वो कैसे कैलकुलेशन में बता देती हूँ. जैसे कि मान लीजिए आपने जो सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट की थी यहाँ पर, फॉर दिस यू विल गेट द माइनस रूट टू अपॉन एल. तो अगर मान लीजिए इसका मैंने यहाँ पर स्क्वेयर कर दिया साई एक्स स्क्वेयर, तो इस वैल्यू का भी मेरा क्या होगा स्टूडेंट रूट टू अपॉन एल का मेरा यहाँ पे क्या होगा स्क्वेयर. तो अगर मैंने इसका स्क्वेयर किया माइनस माइनस गेट इंटू प्लस, ए स्क्वेयर स्क्वेयर यहाँ से हट चला जाएगा. तो यहाँ पर से वैल्यू मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट दैट टू अपॉन एल वैल्यू मिलेगी. दैट इज क्लियर, बिकॉज इसका भी स्क्वेयर होगा. तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट क्या होगा, इतना ही यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस होगा. एंड दैट डिफरेंस शुड बी, नाउ जस्ट टेक अ लुक कि ये फर्स्ट नोड यहाँ पर आएगा वो तो क्लियर है, ये यहाँ पर चला जाएगा. बट जो यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हाट यूअर स्क्वेयर ऑफ द योर वेव फंक्शन, ये जो स्लोप है ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा. बिकॉज इसकी वैल्यू अब किस में चेंज होगी इंटू फ्रॉम व्हाट नेगेटिव इट टर्न्स इंटू द पॉजिटिव. तो ये स्लोप यहाँ से सिर्फ क्या होगा इन द स्क्वेयर, दैट शुड बी अ अप. तो ये वेव यहाँ पे ऐसे होगा. इन द सेम वे थ्री में अब ये कैसे होगा द टू नोड्स, इन द सेम वे अब ये क्या करेंगे यहां से वन टू थ्री, मतलब जो नेगेटिव जा रहे अब वो साई स्क्वायर में ये वेव फंक्शन वो क्या करेंगे अब ऊपर से जाएंगे. सो वन टू थ्री, सो वन टू थ्री फोर. तो इतना ही डिफरेंस है हमारे किस में, व्हाट साई ऑफ एक्स और साई एक्स स्क्वायर के प्लॉट में. और ये कब आपका वैल्यू डिक्रीज होगा कब वैल्यू इंक्रीज होगा, ये सारी चीजों के लिए आपको ये बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए. इफ यू डोंट फॉरगेट, इफ यू डोंट नो, डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट रिमेम्बर दिस ट्रिक एंड दिस वैल्यू एंड नोड्स. नोड्स यहाँ पे सबसे जरूरी है स्टूडेंट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बी फॉरगेट द नोड्स देन यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली लॉस्ट, दैट मुझे कहाँ पे पॉइंट को मैक्सिमम लेना है और कहाँ पे पॉइंट को मुझे लूज करना है. ठीक है. सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. बट स्टिल if you are any doubt student in the derivation part of your particle in one dimensional box, ठीक है, मतलब inside the box outside the box मैंने key point आपको दिया हुआ है, कौन सी चीजें को आपको याद रखना है, कौन सी चीजें आपको भूलनी है वो भी मैंने बताया है. सिर्फ यू शुड रिमेम्बर द इनसाइड बॉक्स के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स जीरो आउटसाइड द बॉक्स इनफाइनाइट, वही सिर्फ चीजें मैंने यहाँ पर डाल दी है. ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स का पार्ट है कि उसके डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन क्या होता है, और आपकी यहाँ पर कुछ बेसिक अजम्पशन है वो उसको कंसीडर करके कौन सी वैल्यू को जीरो कंसीडर करना है वन कंसीडर करना है, वही सिर्फ सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द एनर्जी. तो पार्टिकल ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी मिलता है हमें पार्टिकल का, दैट शुड बी एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एट एम ए स्क्वेयर. ठीक है. उसके बाद उसका हम लोगों ने देखा वॉट नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन से हमें एग्जैक्टली ये चीजें पता चलती है कि पार्टिकल जो है मेरा, ठीक है, एग्जैक्टली बॉक्स में कहां पर प्रेजेंट होता है. तो ये मेरा उसका क्या है प्रेजेंस है, मींस द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉक्स, मतलब ये सपोज मेरा बॉक्स है तो वो बॉक्स में यहां पर हो सकता है, यहां पर प्रेजेंट हो सकता है, यहां पर प्रेजेंट हो सकता है, यहां यहां यहां, मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल विद इन द बॉक्स. तो ये हमें कहां से पता चला, वेव फंक्शन प्लॉट से. ठीक है. तो इतना सिंपल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी पार्ट है. सो इफ यू आर रियली एनी डाउट्स डेफिनेटली यू आस्क मी, आई एम ट्राइंग टू रिजोल्व योर ऑल द प्रॉब्लम. सो थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.